फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाइगर जिंदा है को लेकर, जिसको की लेकर सबसे बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, जो कि मूवी गोलमाल जैसी बड़ी मूवी को बीट करने की चर्चा चल रही है। वहीं अगर बॉलीवुड के आंकड़ों की माने तो बताया ये भी जा रहा है कि ये सन 2017 ही की नहीं, जबकि बॉलीवुड के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? मैं आपको बताऊंगा कौन सी टॉप मूवीज है जो कि बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 पर बनी हुई है। जैसा कि हम आपको बता दें कि हाल ही में अभी रिलीज हुई थी गोलमाल, उसके बारे में भी, वो भी बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस फर्स्ट डे में शुमार हो गई है। अगर हम बात करें पहली मूवी, जैसा कि बाहुबली 2 को सबसे ज्यादा, यानी फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसका सबसे ज्यादा बताया जाता है, क्या उस मूवी को बीट कर पाएगी टाइगर जिंदा है? इसकी अगर हम कमाई की बात करें तो 40 करोड़ 75 लाख रुपए इसकी कमाई बताई जाती है। और इसी के साथ अगर हम सलमान खान की सुल्तान मूवी की खुद की बात करें तो इनका 36 करोड़ कमाई बताई जाती है। और उसी के साथ सलमान खान की एक और मूवी प्रेम रतन धन पायो, जिसका की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 39 करोड़ रुपए फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताया जाता है। इसी के साथ और हम मूवीज पे आ जाए, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर भी मूवी 36 करोड़ लगभग इस साल, मतलब बॉक्स ऑफिस में उसने फर्स्ट डे में कलेक्शन किया था पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो। अगर इसके बाद ही और भी कुछ मूवीज है, जैसे धूम 3 की भी चर्चा करें तो धूम 3 ने 36 करोड़ 2 लाख की कमाई लगभग की थी। और गोलमाल की बात करें तो गोलमाल ने 30 करोड़ 14 लाख की कमाई की थी। वहीं अगर हम दंगल की बात करें तो दंगल ने 29 करोड़ 76 लाख की कमाई की थी। ये थे फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जो कि भारी भरकम मात्रा में रहे हैं बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में। तो आपको क्या लगता है कि क्या सलमान खान इन सारी मूवीज के बॉक्स ऑफिस फर्स्ट डे कलेक्शन को बीट कर पाएंगे या नहीं? ये सोच समझ के करने वाले कमेंट्स हैं। तो दोस्तों, बस हमसे जुड़े रहेंगे बॉलीवुड चलो में, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और ये बताओ कि कौन होगा 2017 का किंग ऑफ बॉलीवुड कलेक्शन। मैं 31 दिसंबर को लेके आने वाला हूं एक नया वीडियो, जिसमें किंग ऑफ बॉलीवुड का जो पिछला एपिसोड था उसके साथ आपके कमेंट और आंसर लेके आने वाला हूं।